इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान को कहा महर्षि जी ने, चित्रकूट गिरि करहु निवासो तह तुम्हार सब भांति सुपासो अत्रियाद मुनि मर बहु बसही करहि जोग जप तप तन कसही। चलिए सफल सकल सम सब कर करहु राम देव रहु गिरवरहु मने कौन पर्वत है? कामदगिरी गिरी श्रेष्ठ कामत जी को प्रतिष्ठा प्रदान करिए प्रभु। यही जीवन है, हम जहां रहें उस स्थल की वंदना हो, उस स्थल का अभिनंदन हो, वह स्थल पूजने योग्य बन जाए, ये हमारा वैशिष्ट हो, हमारी धन्यता है। परमात्मा चित्रकूट धाम पधारे, मंदाकिनी तट पर गए, प्रभु ने प्रणाम किया, स्वर्ग गंगा है मंदाकिनी जी। प्रणाम करके लक्ष्मण भैया से भगवान ने कहा, भैया ये तो रमणीय स्थल है, यही बास लिया जाए। चित रम्य वो राम मन देवन जाना चले सुरथपति विश्वकर्मा जी देवताओं के संग में आए और भगवान के रहने के लिए बड़ी सुंदर कुटिया बनाए। लक्ष्मण जी के लिए लक्ष्मण पहाड़ी पर सुरक्षा व्यवस्था संहार करने के लिए एक कुटी बनाई गई और भगवान माँ भगवती के लिए द्वि कक्ष की कुटी, सामने ऋषि मुनि मंडली बैठकर सत्संग करे, भगवत चर्चा करे, सदग्रंथ अध्ययन हो, उसकी व्यवस्था बनाई। विश्वकर्मा जी तो वस्तु के विशेषज्ञ हैं, देवताओं के निवास वही बनाते हैं, इसलिए विश्वकर्मा कहा गया है। भगवान यहां आ गए, ऋषि मुनि लोग जानकर प्रसन्न हो गए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। भगवान ने सबको साष्टांग दंडवत किया है, आप यहां रहें और आगे की यात्रा पूर्ण सफल हो। ऋषि मुनि मंडली ने सबको राम लक्ष्मण प्रभु को आशीर्वाद दिया, भगवान हर्षित हो रहे हैं। निषाद जी के परिकरों से खबर मिल गई थी, वन के कोल भील आदि सब उनके जो रिश्ते नातेदार थे, वो भी अपनी अपनी भेंट लेकर मेरे सरकार के सम्मुख उपस्थित होते हैं और कहते हैं, प्रभु इस वन क्षेत्र में आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी, हमारे महाराज की आज्ञा है, हम लोग सब प्रकार आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। हम सेवक परिवार समेत नाथन सकुचब वेद वचन मुनि मन अगम दे प्रभु करुणा वचन किरातन के तो वेद वचन मुनियों के मन को भी जो अगम है,
वेद भगवान जिनके बारे में कहते हैं कहते हैं कहते हैं कि फिर कहते हैं ना इतनी ना इतना नहीं, मैंने जो कहा उसमें कुछ नहीं कह पाए, और भी है, रुक जाते हैं वेद भगवान। ऐसे करुणा के घर मेरे प्रभु कोल बिलो की बात कैसे सुनते हैं, जैसे छोटे से बच्चे की बात माता पिता सुनकर आनंदित होते। कोई भगवान से ही कहे कि भगवान आप चिंता न करिएगा, हम लोग सब प्रकार बाग बरा बचाकर आपको सेवा प्रदान करेंगे। गिरी कंदरा में आपको कहीं जाने की अनिवार्यता नहीं है, हम लोग सब प्रकार कंद मूल फल आदि पुष्प बिल्व पत्र फूस सब लाके सेवा करेंगे। वन प्रदेश में यात्रा बड़ी दुरूह होती है, कैसे, कौन सा मार्ग है इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए भूल न जाए कुसा का चिन्ह लगाना पड़ता है, यही मार्ग है यही मार्ग है, कुसा बांधते हुए सेवक लोग चलते। आज भी जब वन क्षेत्र में आप कभी यात्रा करें कितना कठिन है, वो तो त्रेता की कथा है, कैसा बन रहा होगा, अद्भुत। परंतु मेरे सरकार यहाँ वन में कैसे रहते हैं, जैसे देवराज इंद्र माँ सची के संग में अमरावती में वास कर रहे, भक्ति देवी जोग ज्ञान विराग के साथ रहती हैं, इस प्रकार मेरी माँ भगवती भक्ति माता सियाजु ज्ञान प्रभु और योग विराग लक्ष्मण जी के साथ में दिव्य चित्रकूट धाम में बास कर। देखिए संसार में जगत में रहना कठिन नहीं है, रहना सरल है, मन के स्तर पर केवल चिंतन को बदलना है। क्या करना है, जो मन यह चिंतन कर रहा है कि हमारे पास ये तो है नहीं, उस मन के चिंतन को ये बताना है, इसमें ले आना है कि हमारे पास क्या नहीं है, सब है, भंडार भरा है। ये जो नहीं का अभ्यास हो गया है इसको हां में बदलना है, जैसे नहीं का अभ्यास हुआ है ऐसा थोड़ी कि कुछ नहीं है, जिह्वा पर इसका अभ्यास तो क्या नहीं है, अपने राम जी से बड़ा कौन भाषा है जी, चाह गई तो चिंता मिटी मनवा बेपरवा जाको कछु न चाहिए सो साहन पतिशा चाह गई। हेलो, ये चाह बड़ी बुरी बात है, कितने वर्ष जीवन के इस चाह में चले जाते हैं। एक पलट प्रसंग, पिताजी ने संध्या वेला में गुरुदेव से निवेदन किया, राम जी का अभिषेक सरकार सुबह होना है, आप उपदेश कर दें। अभिषेक होगा प्रभात में 6 बजे और रात में ही वनवास की स्थिति बन गई। कितना बुरा हुआ, वो तो त्रेता था, आज तो कलयुग है, आज होता तो पुत्र पिता के साथ क्या चर्चा करता, घर छोड़ के चला जाता, लौट के ना आता। ध्यान रखिएगा, राम कथा गाना सरल है, राम कथा सुनना सरल है, रामचरित्र रहना सरल नहीं है,
बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। राम जी सरल है, रामचरित्र सुनना सरल है, रामचरित्र जीना, राम जी की पूजा भी सरल है। श्री रामचंद्र कृपाल शरण भव भय सरल है, चालीसा सुनाना सरल है। एक मिनट के लिए कह दिया जाए मेरे राम का चरित्र कौन रहेगा, हाथ कोई पकड़ के ना खड़ा कर दे, लोग ऐसे बांध के बैठ जाएंगे। अरे हम आपको नहीं, हम कथावाचक की बात कर रहे हैं, हमारे बस का भी नहीं। नट सोई जी साहब, हम सुना रहे हैं क्योंकि हम सुनाने के लिए ही हमको दीपक जी बुलाए, आप सुन लो और जितना जी पाओ कोशिश करना कि रामचरित्र थोड़ा जी लिया जाए, थोड़ा। न सीता मैया को जिया जा सकता है, न लखन भैया को दिया जा सकता है, न राम जी को जिया ही नहीं जा सकता है। राम जी के बारे में केवल ये चर्चा होगी, हम राम राज्य लाएंगे। अरे राम राज्य लाएंगे, गद्दी तो छोड़ नहीं रहे हो, राम राज्य लाएंगे, कुर्सी हिला नहीं रहे हो, कोई दूसरा ना बैठ जाए, सरल है क्या? सही जी साहब, एक बारात में मैं चला गया तो मैं जब जाता हूं तो बैठने की लोग व्यवस्था पहले से करते हैं, तो हमारे बैठने का आसन वासन लगा था। एक बहुत बड़े आदमी आए, उसी पर बैठ गए। अब उनको हटाए कौन, तो मैं पहुंच गया तो थोड़ा खिसके वो, तो हमने कहा भाई साहब खिसके नहीं, मेरा आसन दे दीजिए जिस पर आप बैठे हैं। तब उनको लगा कि ये इनके लिए बिठाया गया था, मेरे लिए नहीं। ये तो हालत, हम जहां अच्छा देखते हैं वहीं बैठ जाना चाहते हैं, चाहे किसी का आसन बिछा हो। ये हमारा चरित्र है, तो राम चरित्र कैसे जिया जाएगा? भाषण से थोड़ी होगा, है ना, भीषण से होगा, इसको जीना पड़ेगा। भगवान का स्वभाव देखिए, प्रसन्नताम या नगताभिषेकत तथा ममले वनवास मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदा स्तुसा मंजुल मंगल। भगवान का सिमुख मंडल दिव्य ही बना रहा, अभिषेक हुआ तो प्रसन्न नहीं हुए, अभिषेक होगा तो प्रसन्न नहीं हुए, वनवास हो गया तो मलिनता नहीं है। ये रामचरित्र है, सरल है क्या? हम हमसे अधिक सोच न पाए तो रामचरित्र कहां रहेगा? मेरे राम जी एक क्षण लगा, और भगवान ने वनवास को वनवास नहीं माना। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।